हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी केयर में। और आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास का फिजिक्स का टॉपिक है इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है। इलेक्ट्रिक जनरेटर का डेफिनेशन ये है कि जिस यंत्र की सहायता से यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा परिणित हो जाती है उसे विद्युत उत्पादक कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो अब हमारा क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर कैसे काम करता है और जनरेटर के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। चलिए देखते हैं। तो आपको तो पता ही होगा कि डायनमो के अंदर कुछ स्प्लिशिंग होता है, कॉइल रहता है और दो मैग्नेट रहते हैं। तो इसे जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि मैग्नेट कैसे काम करता है। तो आप तो जानते हो कि मैग्नेट बहुत कॉमन सा चीज़ है। आप सभी देखा होगा कि आप जानते भी होंगे कि उनमें मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उसमें क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो होता है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं और यही कारण है कि दो मैग्नेट अपने अपने सामने को खींचते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होने लगता है उसी कारण। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के जब हम दो मैग्नेट के बीच में एक कॉइल रखते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे कॉपर का कॉइल, तो उनको जब हम घुमाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आदान प्रदान होने लगता है उनके फ्री इलेक्ट्रॉनों से। कॉइल से मैग्नेट के इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होने लगता है जिससे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। तो यहाँ देख सकते हैं कैसे इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होना है। वहाँ से जो आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नेट के और कॉपर के इलेक्ट्रॉन्स को हटा दे रहा है और दूसरे आइटम में भेज दे रहे हैं। मान लीजिए अगर आप कॉपर वायर लेते हैं, उनके फ्री इलेक्ट्रॉनों को आप उनके स्थानांतरित कर देते हैं उनके आइटम से, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। लेकिन हम अपने हाथों से तो नहीं ना हटा सकते हैं, तो हमें इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत पड़ती है और वो इलेक्ट्रॉन हमें मैग्नेट्स देते हैं। मैग्नेट के इलेक्ट्रॉन जाके कॉपर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें स्थानांतरित कर देते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो यही होता है एक डायनमो या जनरेटर के भीतर जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर पाती है। थ्योरी के हिसाब से अगर आप सोचें तो अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉनों को उनके एटम्स से स्थानांतरित कर देते तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरित करने से ही इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, चाहे वो किसी भी तरह हो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने इस वीडियो का अच्छे से मज़ा लिया और समझे। तो अब आप अपने फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और जो हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट ज़रूर करें इस वीडियो के लिए और हमें बताएं कि आपको और कौन कौन से वीडियो पर जानने हैं उनके बारे में। और आपके लिए स्पेशली हम बोर्ड के क्वेश्चंस भी छोड़ेंगे माध्यमिक के, तो आप देख लीजिएगा और आपको बहुत मदद मिलेगी इस क्वेश्चन से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।